हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। जैसे परमेश्वर ने अपने दास को इस फरवरी महीने के लिए अगुवाई की कि अपने आत्मा से जो अगुवाई की कि फरवरी महीने की पूरी मीटिंग को अटेंड करना, साथ में जो इस प्रार्थना के विषय में भी अगुवाई की, तो ये एक बड़ा मैसेज है जो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उन्हें बड़ा ब्लेस करेंगे। आमेन। बोलो क्या आज है? आज तो लास्ट दिन है ना। तो कौन कौन है जो सोमवार से आ रहे हैं रेगुलर, जो सोमवार से रेगुलर आ रहे हैं ना, हाथ खड़ा करो जो। ओके ओके ओके, तो ठीक है। तो सुनो सारे, तो आज तो लास्ट दिन है। बोलो कि आज तो जो परमेश्वर ने, है ना, एक तो इस फरवरी महीने का जो प्रोफेटिक दिया, बोलो क्या दिया, प्रोफेटिक वर्ड दिया ना परमेश्वर ने, कि ये पूरा फरवरी महीना, बोलो क्या है, तुमने कोई भी मीटिंग मिस नहीं करनी और कोई भी मीटिंग लेट नहीं आना। क्या नहीं आना? किसी भी मीटिंग में लेट नहीं आना, तुम 10 बजे यहां पे होने चाहिए। ये प्रोफेटिक दिया और परमेश्वर ने कहा जस्ट सिर्फ एक महीना करके देखो। सिर्फ क्या करके देखो? एक महीना सिर्फ करके देखो, सिर्फ एक महीना। एक महीने में ही आपको पता चल जाएगा वो परमेश्वर कितना ताकतवर है और कितना वो सामर्थी। सिर्फ एक महीने, ये आपके लिए एक चिन्ह है। बोलो क्या है? जैसे मूसा के लिए चिन्ह था ना, मूसा डर रहा था, हाँ मैं मिस्र में जाऊंगा, हाँ वहां को, वहां का इतना बड़ा राजा, इतनी सेना, मैं अकेला क्या कर सकूंगा। तो परमेश्वर ने फिर चिन्ह दिया, अपना हाथ अपनी छाती के अंदर कर, है ना, तो उसका हाथ क्या हो गया, कोढ़ से भर गया। फिर परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बाहर निकाल और क्या हो गया, फिर वैसा गया। तब मूसा को सांस आया कि परमेश्वर दिख तो नहीं रहे, बोलो नजर है, पर जो परमेश्वर की आवाज आ रही है, जो परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं, सच में वो मेरे साथ। समझ आ रही ना? तो उसी तरह से परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो क्या? परमेश्वर हमारे साथ है। तो सेम उसी तरह मूसा की तरह ये आपके लिए, ये फरवरी का महीना एक साइन, एक चिन्ह है। बोलो क्या? एक साइन, एक चिन्ह है सिर्फ, पर जो उसे शरीर से नहीं, आत्मा से लेकर और दिल से पूरा करेंगे। जस्ट सिर्फ एक महीना, और परमेश्वर एक महीने में अपने लोगों को दिखाएगा कि मैं कौन। समझ आ रही है? एक तो ये परफेक्टिक है, और दूसरा मैंने जो कहा था कि है ना, इस फरवरी के महीने में हम, है ना, प्रभु भोज की मीटिंग के बाद एक हफ्ते की प्रेयर रखेंगे भवन में। क्या रखेंगे? एक हफ्ते की प्रेयर रखेंगे, एक हफ्ते की प्रार्थना रखेंगे। क्या रखेंगे बोलो? एक हफ्ते की प्रार्थना रखेंगे। और ये तो सोमवार से हम शनिवार, आज शनिवार है ना, आज तो लास्ट दिन है प्रेयर का। और ये हफ्ते की पूरी प्रेयर हमने यहाँ पे बैठ के खुदा के घर में की, और जो जो लोग भी सोमवार से आए हैं, कुछ बाद में आए, कोई कुछ लोग ट्यूसडे, मंगलवार आए, बुधवार आए, वीरवार आए, सब तो दिन तो नहीं आ पाए, कुछ लोग लेट आए, कोई बीच में आए, पर जितनों ने जितना किया परमेश्वर उसके हिसाब से उतना ही फल, उसका फल भी क्या देगा ना, उसी के हिसाब से उनको फल देगा। पर ये तो मैंने कहा था कि हम फरवरी महीने में एक हफ्ते की प्रेयर रखेंगे, और मैं नेक्स्ट संडे बताऊंगा जो कल है। बोलो क्या है? मैं कल बताऊंगा कि परमेश्वर का आगे का जो प्लान है, आगे की जो परमेश्वर की योजना है हमारी उन्नति के लिए, हमारे बढ़ने के लिए, छुटकारे के लिए, शिष्यों के लिए, हर चीज के लिए। तो मैंने कहा था कि मैं इस संडे बताऊंगा। बोलो क्या है?
ये संडे बताऊंगा, पर परमेश्वर ने ऑलरेडी बता दिया। बोलो क्या बता दिया है? ऑलरेडी बता दिया इन्हीं एक हफ्ते की प्रार्थना में के आने वाला जो परमेश्वर का प्लान या उसकी योजना है अपने लोगों के लिए वो क्या है। वो ये है कि एक तो हम इस फरवरी महीना जो फरवरी महीना चल रहा है, जो नेक्स्ट कल संडे है तो उसके बाद जो अगला हफ्ता है उसमें नहीं प्रेयर रखेंगे, फिर तीसरे हफ्ते फिर प्रेयर होगी। बोलो क्यों होगी? इस फरवरी में कितने संडे आ रहे हैं? 4 के 5 आ रहे हैं, 4 है ना। तो कल संडे और मैं कल अनाउंस करूंगा कि अगले हफ्ते प्रेयर नहीं होगी। बाद में जो दो है ना, मतलब हफ्ते रह गए हैं, उनमें दोनों हफ्ते में हम प्रेयर रखेंगे। दोनों हफ्तों में प्रार्थना रखेंगे, दोनों हफ्तों में प्रार्थना, रेगुलर प्रार्थना रखेंगे। और बाकी आने वाले मार्च अप्रैल लास्ट तक, बोलो क्या, अप्रैल लास्ट तक हम हर हफ्ते में, हर महीने की, एक महीने में एक हफ्ते की प्रेयर रखेंगे अप्रैल तक। कितने तक? अप्रैल के लास्ट तक, मतलब हर महीने की एक हफ्ते की प्रार्थना रखेंगे, ये खुदा ने मुझे कहा, ठीक है। और उसके बाद आगे मई जून जुलाई अगस्त, वो अप्रैल के बाद परमेश्वर आपको बताएगा। खुदा ने ये मुझे ऐसे चिन्ह दिया है थोड़ा, पर मैं उसको और भी बैठ के परमेश्वर से बात करूंगा क्या ना चाहिए। वैसे तो बता दिया परमेश्वर ने मुझे, पर उसके लिए मैं और भी प्रभु की इच्छा को जानना चाहता हूँ। पर अप्रैल तक तो श्योरली है, अप्रैल तक तो श्योरली, मतलब आपके लिए। और उसके बाद मई जून जुलाई के लिए, अप्रैल लास्ट में परमेश्वर आपको बताएगा कि क्या करेंगे। ये पूरा 24 आपकी प्रार्थनाओं में बढ़ने के लिए, आपकी आशीषों के लिए, उन्नति के लिए, ये साल आपके लिए बड़ा बेस्ट है। मुबारक हो आपको ये 2024। और ये उस खुदा की दया, उस परमेश्वर की सो इच्छा जिसने मेरे मन में डाली, बोलो क्या डाली, कि हम उन्नति के रास्ते में जाएं और इस रीति से परमेश्वर के साथ संगति बनाएं। बोलो क्या बनाएं? और हम अपना टाइम वेस्ट ना करें जिस परमेश्वर के लिए उसने मुझे और आपको बुलाया, हम उन आशीषों को, उन हर चीजों को अपने जीवन में देख पाए। बोलो क्या पाएं? देख पाएं। देखना चाहते हो सारे? कितने लोग देखना चाहते हैं? सारे देखना चाहते हो? तो तैयार रहना। बोलो क्या है? तैयार रहना। वैसे तो परमेश्वर ने प्रोफेटिक, अब मुझे नहीं बताता, जब 2024 आया तो मैंने कहा था कि 2024 आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अभी तक YouTube में मेरे हिसाब से हमने क्लिप डालकर डाला था ना, मैंने पहले बोल दिया था ना ऐसे, पर देख लो अभी परमेश्वर ने उसको प्रकट भी कर दिया कैसे होगा बेस्ट। बोलो क्या? परमेश्वर ने प्रकट भी कर दिया कि कैसे होगा बेस्ट। तो वो प्रार्थनाओं से होगा, मेहनत से होगा, और आपने करना है। बोलो क्या है? 24 तो आपके लिए बेस्ट होगा ही होगा, जो परमेश्वर ने हमें वचन दे दिया हमारे एक अच्छे के लिए, हमारी उन्नति के लिए, पर आने वाले साल भी होंगे। बोलो क्या? आने वाले जितने महीने, साल बेस्ट होने वाले। जो पिछले सालों में अपने बड़ा टाइम खराब कर लिए ना, परमेश्वर ने मुझे कहा आगे नहीं होगा। अब ये आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। बोलो क्या है? पर शरीर आपको करने नहीं देगा। बोलो शरीर आपको ये चीज करने नहीं देगा। समझ आ रही है? पर किसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आपने करना है? बोलो किसकी इच्छा को? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए ये काम आपने करना है, ठीक है। तो तैयार रहना। बोलो क्या रहना? तैयार रहना।
एक तो ये पूरा फरवरी महीना, समझ रहे हैं, एक तो मीटिंग्स के लिए दिया ना प्रोफेटिक, और प्लस प्रेयर, दोनों चीजें, और फिर मार्च और अप्रैल तक, और फिर अप्रैल में परमेश्वर आपको बताएगा कि बाकी जो महीने हैं दिसंबर तक, बोलो क्या दिसंबर तक, वो परमेश्वर क्या क्या देने वाला है। हालेलुया। तो मुबारक हो ये हफ्ता, ये महीना और आने वाले महीने, बहुत मेरी सोच से भी खुदावंद आपके लिए ज्यादा करने वाला है। ओके, तो परमेश्वर आप सबको जो ऑनलाइन भी हमें देखते हैं और जितने लोग प्रार्थना में आ रहे हैं, खुदावंद उन सबको बड़ी आशीष दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ कर दो उसको दबा।